खबर उत्तरकाशी से आ रही है, जहां ठांडी गांव के बोलियाधार में हर तीसवें साल प्रसिद्ध पारंपरिक मेला भेड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में पशुधन की समृद्धि और जन कल्याण की कामना करते हुए बुग्यालों से लौटी भेड़ों के साथ बोलियाधार स्थित मंदिर परिसर की परिक्रमा करते हैं। आज भी मेले के समापन पर हजारों भेड़ों के साथ इस अनूठी परंपरा का निर्वहन किया गया। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री ने भेड़ों का स्वागत किया, साथ ही मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस अवसर पर देव डोलियों और निशानों के नृत्य के साथ ही पारंपरिक लोक नृत्यों का भी आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि मेले हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के जीवंत प्रतीक हैं। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। मेला देखने आया हूँ, मंदिर कमेटी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया। लोगों की आस्था देख के बहुत अच्छा लगा, किस तरीके से लोगों का बोलिया महाराज जी के ऊपर आशीर्वाद है, उनकी आस्था है। और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि जिस मकसद से वो यहाँ पर आए हैं कि उनकी मवेशी सुरक्षित रहें, भगवान का आशीर्वाद उन पर बना रहे, वो पूर्ण हो और ये क्षेत्र आगे बढ़े। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड आगे बढ़े और माननीय मोदी जी का जो सपना है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का हो।